Good morning, friends. My name is Kunal Kumar. So today we are going to start with the third part of NPO. ठीक है, तो NPO chapter का हम third part करने जा रहे हैं, जिसमें अब हम सीखेंगे subscriptions के बारे में. ठीक है, so this video is related to subscriptions. Friends, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ. सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है. सब्सक्रिप्शन क्या होती है? हमारी इनकम. ठीक है, मतलब एनपीओ है तो हमारी सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है. ठीक है, ये मैं लाइन बना के समझाता हूँ आपको, पहले भी समझा रखा है, आई होप ये समझ आ जाएगा. ठीक है, दिस इज योर करंट ईयर, दिस इज योर प्रीवियस ईयर, दिस इज योर नेक्स्ट ईयर. ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब किसको रिलेट कर रही है? सो इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर. तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर को रिलेट कर रही है. ठीक है, तो अगर आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग है, तो इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर. और अगर यहाँ पे एडवांस है, मतलब एडवांस इन द बिगनिंग है, तो ये किसको रिलेट कर रही है? अगर यहाँ पे कुछ एडवांस मिला है तो वो आगे साल के लिए मिला होगा, तो वो करंट ईयर को बिलोंग कर रही है. राइट, ऐसे ही अगर यहाँ पे हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, दैट इज एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर से हम रिलेट करते हैं. ठीक है, तो अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब वो यहाँ को रिलेट कर रही है, इसका मतलब वो करंट ईयर को रिलेट कर रही है. और अगर ये एडवांस है एट द एंड, अगर यहाँ पे मुझे एडवांस मिला है, तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, तो वो करंट ईयर को बिलोंग नहीं कर रही, नेक्स्ट ईयर को बिलोंग कर रही है. तो सीधी सी बात हो गई, जो करंट ईयर वाली चीजें हैं उनको ऐड कर दो, क्योंकि हमें करंट ईयर के लिए चाहिए जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं. ठीक है, और जो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करती, उसको आप माइनस कर सकते हो. ठीक है, इसको हम अकाउंट के फॉर्म में भी आपको समझाते हैं, और आपको अकाउंट ही बनाना है. ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो जाएगा. ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होती है? हमारी इनकम. अच्छा, इनकम क्या होता है? रेवेन्यू. रेवेन्यू बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं? अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और रेवेन्यू कम होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं. ये बात आपको सिंपल सी पता है. ठीक है, ये वाली हमारी क्रेडिट साइड होती है, हमारी डेबिट साइड होती है. ठीक है, अब जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, आपको इधर लिखना है. जैसे देखो, जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला इस साल में जो सब्सक्रिप्शन मिला है, उसमें हो सकता है पिछले साल का भी इंक्लूड हो, नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड हो, तो जो सारा सब्सक्रिप्शन हमें मिला उसको हम इधर लिख देंगे बाय बैंक करके, जो हमें सब्सक्रिप्शन मिला. फिर जो इस साल को रिलेट कर रहा है, ठीक है, जो करंट ईयर को रिलेट कर रहा है, वो क्या है? एडवांस इन द बिगनिंग. ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे लिखेंगे बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, इसको लिख सकते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग. ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, और ऐड क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड. राइट, तो यहां पे एक चीज और ऐड हो जाएगी, जिससे हमारा इनकम बढ़ रही है, तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द एंड, तो इसकी वजह से हमारा इनकम बढ़ रही है. और जो इनकम इस साल को रिलेट नहीं कर रही, वो माइनस करते रहेंगे. तो कौन सी चीज जो इस साल को रिलेट नहीं कर रही? ऑब्वियसली आपको पता है, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, और टू एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द एंड. ये दो चीजें हमारी सब्ट्रैक्ट होने वाली होती हैं, तो डिक्रीज हो रही है, तो हम सब्ट्रैक्ट वाली साइड डिक्रीज साइड को मानते हैं. ठीक है, और ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर बनेगी कुछ, इधर जो आएगी वो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी, और वो आपकी कहाँ जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी. ये जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है, वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी. ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है. ये आपका क्या होता है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, अब हम सब्सक्रिप्शन के कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो आपको समझ आएंगे. ठीक है,
जैसे मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, आपकी टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है, नई बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है, और जिनके पास पुरानी बुक है वो उसको देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन आपके सारे सेम है। तो मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 12 सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने मैं ये रख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि फिर मुझे क्वेश्चन हटा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड वर 21,000 एंड दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। On 31 March 2020, subscription due but not received were 50,000 and corresponding amount on 1st April 2019 was 60,000. Determine the amount that you should be credited to income and expenditure account as subscription for the year ended 31st March 2020. ठीक है, ये आपका illustration number 12 था, but मुझे इससे पहले आपको illustration number 11 भी कराना है, कि 11 से start हो रहा है। तो एक बार question number 11 को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर 12 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये दिया हुआ है, ये आप क्वेश्चन का डेटा कहीं नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड शो इट इन द फाइनल अकाउंट। जैसे आपके पास 2 सब्सक्रिप्शन कितना है, आपको सब्सक्रिप्शन इस साल में कितना मिला है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या शो कर रहा है कि आपको इतना सब्सक्रिप्शन मिला है, राइट, 1,00,000 रुपए। फिर आपको आगे भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है। चलो वो डेटा मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये आपके पास डेटा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च इतना है, ठीक है। तो चलो मैं इस डेटा को एक बार यहाँ पे लिख के आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। मुझे जो सब्सक्रिप्शन मिला है, हाउ मच सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 1,00,000, जो कि हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। फिर मुझे ये डेटा दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, मैं क्वेश्चन को यही लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग क्या दिया हुआ है 31 मार्च 2019 के हिसाब से और 31 मार्च 2020 के हिसाब से, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे दिया हुआ है 40,000, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीट इन एडवांस, ये इसको मैं बोल देता हूँ एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये इस रेट पे कितना दिया हुआ 30,000 और इस रेट पे कितना दिया हुआ 20,000, करेक्ट। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, मैं रफ अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपने प्रॉपरली बनाना है। अब यहाँ पे मुझे सब्सक्रिप्शन कितना मिला है 1,00,000, तो वो तो मैं इधर लिख देता हूँ बाय बैंक, कितना रिसीव हुआ है 1,00,000, ठीक है। अब आप ये बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये आपका करंट ईयर है, ठीक है, ये आपका करंट ईयर है। मैं बार बार ये लाइन बनाता रहता हूँ, दिस इज योर करंट ईयर, दिस इज योर प्रीवियस ईयर, दिस इज योर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2019 है, ठीक है, ये क्या है 31 मार्च 2019, ये है 31 मार्च 2020, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये इस साल का नहीं है ना, तो माइनस करना है, तो हम इधर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज 20,000, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग है, जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इस साल को बिलोंग कर रहे, तो इधर लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज एट द एंड, है ना, ये एंड वाला है और ये बिगनिंग वाला था, इसमें लिख देता हूँ बिगनिंग, ठीक है। तो ये कितना है 40,000, राइट। अच्छा, एडवांस इन द स्टार्टिंग है, वो करंट ईयर को बिलोंग करेगा, तो वो इधर लिखेंगे, जो करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है इधर, जो करंट ईयर को बिलोंग नहीं कर रहा इधर, जो प्लस वाले आइटम है इधर, जो माइनस वाले आइटम है इधर, तो इधर आएगा बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन
इन द बिगनिंग, ठीक है, हाउ मच इट इज 30,000। और इधर क्या है, बाय सॉरी टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, हाउ मच इट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग कर रहा है, तो ये 20,000 इधर आएगा, ठीक है। फिर हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस हो गया 1,70,000 टोटल हो गया, 1,70,000 में 40,000 माइनस किया तो हो गया 1,30,000, ठीक है। तो इसको लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर हो गई, ठीक है। अच्छा एडवांस सब्सक्रिप्शन कब का था, ये एट द एंड था, ठीक है। तो जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट जाएगा वो हमारा 1,30,000 हो गया, यही हमें निकालना था, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में यही डिमांड कर रहा है कि भाई निकालो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, करेक्ट। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, जो एंड वाले हैं, जो एंड वाला अमाउंट है ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारी जब बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे एट द एंड, तो उसमें ये वाला जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये मेरी एसेट बन जाती है, और जो एट द एंड आपको एडवांस मिला है, देखो ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट बन जाती है। और ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि ये एसेट साइड होती है और ये लायबिलिटी साइड होती है, तो एसेट साइड में इसको लिखेंगे 40,000, ठीक है, और लायबिलिटी साइड में इसको लिखेंगे 20,000, ठीक है। ये हमारी बैलेंस शीट का हमेशा एट द एंड वाली चीजों को कंसिडर करते हैं, ओके, ठीक है। तो दिस वॉज अवर इलस्ट्रेशन नंबर 11, सो दिस वॉज इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, और अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें सब्सक्रिप्शन के मैं बाकी क्वेश्चंस सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इतने आप इस सब्सक्रिप्शन वाले मैटर को थोड़ा देखो, ठीक है, थैंक यू सो मच।